पुराना की दिख रहा मैं तो हसन को मैं हसन बोल के तुम भी ना पास हो। बहुत सारे डील्स है यहाँ पर। चलो भाई किधर है? देखो जंगल का करेक्ट व्यू, पूरा गहरा जंगल ही छे। Hey, what's up, public? This is Akash back again with a new video. रशियन के टिकट के लिए लाइन में जा रहे हो भाई, इतना भयानक रश है। So, how's your experience first time? इला रावड़म इधर छेड़म भाई, क्या दम हो रहा है भाई वहाँ पर, लाइन इतना बड़ा लाइन है। अब यहाँ पर पूरा लाइन ही छे, ये ही नहीं और सामने एक और ग्रिल से बहुत दबा के लाइन थे भाई, बहुत दबा के बड़ा लाइन है। अपने को टाइम 12 बजे अपने को टिकट मिल जाना, बस जय श्री राम मिल गए तो बस है भाई, काफ़ी है। आज दर्शन करना है कैसा भी अपने को, इसीलिए ट्रेन में भी पावर नैप ले लिया अपन लोगों का। अब कैसा भी खेलना है, अब कैसा भी क्या बोलते जंग में जाना है भाई साहब। पूरे 2 घंटे से यहाँ लाइन में बैठे, देखो अभी तक टिकट देना भी शुरू नहीं हुआ। 1:45 वाला टाइम, एक और 15 मिनट में शुरू करते शायद। देखो कोमा डीप स्लीप में चले गया अभी, हल्लू हल्लू मेरे भी आंखा बंद होना शुरू हो जा रहे। देखो क्या है कि पूरा आगम आगम हो रहा, बहुत लंबा लाइन है, बहुत दबा के लोग आए, फुल पब्लिक, सभी लोग उठ गए। क्या हुआ रे साई, सो गया दबा के? 15 मिनट पावर नैप ले लिया तू भी? अरे भाई नरेंद्र सर पे ना छेद के मैंने एम गुम गुम अनुकुंडा ले रहा हूँ। डेंजर लाइन है भाई, पूछो नको। यहाँ पर 5 लाइन है, फिर से पीछे की तरफ और 5 लाइन कहते, फिर से इसमें आना है कहते, उसमें टिकट देते वो रूम में। बहुत मुश्किल है तिरुपति को आना बोल तो, सोच क्या हो आओ। लेकिन ऑलमोस्ट नज़दीक आ गए समझो टिकट काउंटर के पास। बहुत क्या बोलते 11:30 से लेकर 2:30 तक रुकना पड़ा। देखो नींद कंट्रोल करके, पूरा कंट्रोल करके भाई, सच में मुश्किल है बहुत। पेशेंस रहना देखो इंसान में, यहाँ पर मतलब तिरुपति को आके दर्शन करना बोले तो बहुत पेशेंस रहना, लिटरली मजाक नहीं है भाई, थक गए देखो हम ला तो। फाइनली अपने को टिकट मिल गया, देखो कल शाम के 7 बजे है दर्शन अपने को। और भाई एक मेन मतलब वहाँ जाने के बाद हमारे को मालूम हुआ कि आपका आधार कार्ड जो है अपडेट रहना। साई का आधार कार्ड जो है बचपन का है, तो फोटो बचपन का है तो नहीं चल रहा, उन्होंने नहीं दे रहा था। तो एक और पान कार्ड नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस कुछ तो दिखाई तो दिया, नहीं तो आगम हो जाता। देखो भाई टिकट नहीं मिलता, फिर इतनी दूर मेहनत करके इतनी देर लाइन में ठहर के पूरा वेस्ट हो जाता, पूरा पोपट रहता आपका। तो बेस्ट है देखो आधार अपडेट कर लो। एक और अगर मेरे जैसा आप लोग आधार कार्ड भूल गए समझो, जुगाड़ू इंसान है अपन, मेरे जैसा जुगाड़ कर लो आप भी, जाओ जोमेटो में मतलब जोमेटो में फूड ऑर्डर कर लो, वो जोमेटो वाले डिलीवरी बॉय को ज़रा एक्स्ट्रा पैसे दे तुम बोल के उसके साथ व्हाट्सएप पे ले लेंगे, जेरोक्स मंगा लो, ये बेहतर काम है। देखो साई को दबा के नींद आ रहा, उसको नया हो रहा, तो जा रहे 1-2-3 घंटे सो के सुबह के 6 बजे सीढ़िया चढ़ना शुरू करेंगे। सो लेट्स गो निकलते हैं। हाँ अगर आप लोगों को सीढ़िया चढ़ना है तो सीढ़िया चढ़ सकते हैं, तो यहाँ से बस भी मिलता, बस चढ़ के भी जा सकते हैं। तो मैं तो सीढ़िया चढ़ना प्रेफर करता हूँ क्योंकि बोलो भाई एक्सपीरियंस करना है मेरे को, मस्त रहता बोल के बहुत लोग बोले, मतलब चलते चलते पूरे डीर्स ये हो रहे थे कहते। इस रहने के लिए यहाँ पर एक डोमेटरी देखे थे, 4 आवर्स को 100, 12 आवर्स को 175, 24 को 250। लेकिन दिक्कत की बात है क्या है कि हाउसफुल हो गया पूरे, सब लोग आप भर गए, सब लोग आप भर गए, यहाँ पर ख़त्म हो गए रूम, तो दूसरी जगह देखेंगे आगे कहाँ तो मिलता क्या बोल के। भाई साहब रूम पूरे फुल है, तो यहाँ वहाँ रुकना कहीं को आराम से चलते हुए मतलब सीढ़ियाँ चलते हुए ऊपर जाएंगे मंदिर घर, वहाँ जाके थोड़ी देर रेस्ट लेके पानी नहा के फिर बाद में दर्शन करने जाएंगे। दर्शन अपने अपना जो है रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे, तो उससे 1-2 घंटे पहले लाइन में ठहर जाएंगे। तो पहले तो चढ़ेंगे ऊपर आराम से, हल्लू हल्लू निकलते हैं ऊपर। आगे देखो अलपिरी मेटलू के पास, अलपिरी मेटलू है वहाँ पर, तो अपना बैगेज बैग लगाने का जो काउंटर है वो अभी खुला नहीं, 4 बजे खुलता रहते, तो टाइम हो रहा है 3:30। अपन टिकट के लिए 2 बजे ठहरे थे, 3 बजे तक मिल गया घंटे में, ज़बरदस्त फास्ट था। टिकट ले लिए, अलपिरी मेटल करना है, बस बैग लगाने के लिए रुके, लेकिन बैग वाले अभी खोले नहीं, 4 बजे खुलता, तो वो खुलने के बाद अपना बैग लगा दे के अलपिरी मेटल करते स्टार्ट करेंगे चलना। तो जब तक के लिए थोड़ा यहाँ पर सुकून से पेड़ के नीचे बैठ गए, इन्होंने साई भी ज़रा लेट गया,
उसको पावर नैप की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आराम हो जाता। देखो सब लोग अलपरी मेट्रो चढ़ के ऊपर, मतलब ऊपर जा रहे तिरुमलाकन, और हमारा बंदा यहाँ पे सो गया। जाएंगे बोले थोड़ी देर से, रुक के जाएंगे बोल के बोला, तो ठीक है बोल के मैं भी यहाँ पर दबा के, भीड़ है तो देखते हुए बैठ रहे। अच्छा है, बढ़िया है, देखने में मज़ा आ रहा। जाके स्टार्ट करेंगे सीढ़ियाँ चढ़ना, अभी पहले बैग देना है, बैग वाले प्रॉब्लम में दे देंगे, वो ऊपर आ जाता। बढ़िया है, देखो भाई ने बैग भी दे दिए लॉक मार के, अब अपन ऊपर जाने के बाद ऊपर आ जाते हैं अपने बाहर। तो चलो निकलते हैं अलपरी मेट्रो छोड़ के, शुरू करते हैं अपना तिरुमला तिरुपति का ट्रेकिंग, और यहाँ से शुरुआत है। ऑल राइट ब्रो, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ गया देखो मंदिर का गोपुरम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तिरुमला स्टेप्स। गोविंदा भाई साहब, टाइम 5 हो रहा, क्या तो भी पब्लिक है ये, मतलब फटाफट चलेंगे बोले तो मौका नहीं है मिलता अपने को। क्यों बोल, तो पब्लिक भयंकर है, आराम आराम से चलना पड़ता अपने को। बढ़िया है, थोड़ा उजाला होने के बाद अपने को जंगल पूरा दिखता, और थोड़ा ऊपर जाने के बाद मस्त व्यू रहता, मस्त सीनिक रहता बोल के बहुत लोग बोलते हैं। सुना, आज अपन देख रहे, आपको भी दिखाएंगे। देखो भाई सीढ़ियाँ पूरे कर्पूर लगाते गए। ये एक और गोपुरम के पास आगे भाई अपन लोग, मैसूर गोपुरम कहते ये। वाओ, ओ 300 स्टेप्स चढ़ गए अपन लोग, पूरे 3250 स्टेप्स बाकी, अभी 300 कंप्लीट करे अपन लोग। अच्छा है, अपडेट देते रहे। पूरे 500 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, और दिक्कत क्या हो रहा बोल तो, प्रॉब्लम क्या हुआ बोल तो, कल रात में अपन लोग खाना नहीं खाए थे, डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से उतर के टिकट के लिए वहाँ चले गए थे, डिनर नहीं हुआ। अब देखो चक्कर आ रहे, अब कहाँ तो भी नाश्ता करना, नाश्ता तो नहीं दिख रहा भाई, यहाँ पर पूरे कोल्ड ड्रिंक का दिख रहे हैं। नाश्ता इज़ इम्पोर्टेंट अभी, बॉडी को ज़रा प्रोटीन्स कार्ब्स पूरे लगना है, देखो नहीं तो यहीं गिर जाते अपने पैरा। तिरुपति पुराना क्या बोलते, लाल चंदन रेड सैंडलवुड से भरा हुआ है, और घंटे में उजाला हो जाता भाई, समझ में आता अपने को जंगल कैसा है, कितना गहरा है, चारों तरफ से जंगल है फिलहाल तो। पूरे 600 स्टेप्स कंप्लीट करें, आगे अपना राजावल मंडपमकन, और 8.3 किलोमीटर्स करना है अपने को भाई। यहाँ पर बस कूल ड्रिंक ही है, नाश्ता कहाँ भी नहीं मिल रहा, नाश्ता तो अपने को एक और 1-2 किलोमीटर तक तो नहीं मिलता बोल के बोल रहे, तो जब तक के लिए थोड़ा हाइड्रेट करने के लिए एक मिल्क शेक तो ले लिया भाई, पीएंगे ना तो शुगर लेवल्स भी कम हो गए अपने बॉडी में, थोड़े ग्लूकोज चढ़ाएंगे बॉडी को। ओ 900 स्टेप्स भाई, अभी 2650 बाकी है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, हो जाता वो भी आसान से, आराम से कर लेंगे। देखो थकान तो नहीं है ज़्यादा, अब कुछ मजा आ गया देखो ट्रिक में, पूरा स्टीप हो गया अब तो रास्ता, लिटरली 70 डिग्री से समझो ये हेमेंद्रा, लिटरली भाई कोमा है अब तो। पूरे 1100 स्टेप पर आ गए देखो, 1100 स्टेप्स मतलब वन थर्ड पार्ट तो कंप्लीट कर लिए, अभी 2 पार्ट है देखो भाई, जोरदार कोमा है भाई यहाँ से तो, यहाँ से असली सीढ़ियाँ शुरू हुए। क्या हुआ माँ, इफ यू कैन वॉक देन टेक स्टेप्स भाई बस से जाना इससे बढ़िया ना सीढ़ियों से जाओ, कभी कभी ना ऐसे चीखा करना, मतलब आप लोगों को ना यू विल नो द मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब सब कुछ आसानी से मिलता नहीं भाई, मेहनत करना पड़ता। अभी बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए तो
बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। सो अपने को लाइफ के बारे में बहुत कुछ मालूम होता। अब सुबह हो गया और व्यू तो देखो क्या बढ़िया है, मस्त एक नंबर दिख रहा पूरा जंगल। तो यहाँ से भाई ठंडे पानी से मुंह देखो तो बहुत रिफ्रेश होते भाई, ठंडा बहुत 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 ठंडा भाई पानी। थक तो बहुत गया देखो भाई, एक तो नींद नहीं है वो तो अपने को माइनस पॉइंट हो गया। देखो नींद नहीं है, नींद नहीं रहने के कारण से बहुत आराम हो गया। स्टेप्स चढ़ने के बाद ना अब ये वाला कुछ एरिया आया पूरा स्ट्रेट है, ये वाला चल रहे थे ना बिल्कुल भी थकान नहीं हो रहा था, बस सुकून से चले जा रहे हैं ये वाले, कितना दूर पैसा चल सकते। लेकिन वो जो सीढ़ियाँ थे पहाड़ के ऊपर पूरा 70 डिग्रीज में भाई थका दे रहे थे भाई हमारे को, तो ये वाले आसानी से चल जा रहे। क्या बोलते साहब ऐसे वाले चले देखो, लेकिन मज़ा नहीं आया वाले करने में, वैसे वाले करने में मज़ा आया देखो। हाँ शुरू हो रहा शायद सामने से फिर से 70 डिग्रीज के सीढ़िया, 2200 सीढ़िया कंप्लीट और 1350 बचे, 2/3 कंप्लीट हो गया, बस एक और पार्ट बाकी है वो खत्म होते के पुनः मंदिर के पास पहुंच जाते। रीसेंट बेर साइटिंग सीनेरिया। हाँ भाई यहाँ पर क्या बोलते चीता आते रहते बहुत, तो मतलब जानवर तो आते रहते, कभी कभी न्यूज़ में भी देखे होंगे शायद ना आप लोग, किसी के ऊपर हमला भी करे सो होते रहते कभी कभी, और बेयर सब दिखते रहते बोल के बोले, लेकिन मेरे को तो दिख रहा नहीं। अरे हाँ दिख रहा देखो भाई वहाँ पर, वाओ वाओ भाई साहब दिख रहा नहीं वहाँ है देखो, अरे बहुत सारे है भाई यहाँ तो डीरा, यहाँ एक है वहाँ है, देखो भाई बढ़िया व्यू पूरा जंगल के बीच में चल रहा है अपन लोग का, यहाँ भी जंगल यहाँ भी जंगल पूरा जंगल से बीच में रास्ता बना है देखो, यहाँ से चल रहे अपन। एक और छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक भाई, थोड़ा हाइड्रेट भी करना पड़ता बॉडी को, ऑरेंज जूस पी रहे जय श्री राम जय बजरंग बली। बहुत सारे डीर्स है यहाँ पर। सल्लू भाई किधर है, क्या मस्त दिख रहा, क्रेजी व्यू है पूरा, ऐसा खाई में नीचे खाई। भाई हमारे साथ मजाक तो नहीं हो रहा क्या, यहाँ पर तिरुमला 4 किलोमीटर बोल के बता रहा, अभी तक वहाँ पर 3.8 बोल के था, शायद अभी चल रहा भाई ये पहाड़ों में तो यही दिक्कत हो रहा है, 1 किलोमीटर बताते लेकिन 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता रहता। केदारनाथ में एक्सपीरियंस करे थे हम लोग 16 किलोमीटर बोल के 22 किलोमीटर चले थे, यहाँ पर भी वही चला देखो फिर से हमारे को, अब नीचे की तरफ जाना है कहते मंदिर को भाई साहब, क्या तो भी जंगल है। ओ हो
लग रहा है कोई जंगल का करेक्ट व्यू, पूरा गहरा जंगल ही छे। ओहो पूरा ग्रीनरी छे, क्या क्रेजी दिख रहा भाई साहब। भाई फाइनली आ गए यहाँ से, बस एक और 2.4 किलोमीटर से घुटनों पे चलना। बोल के बोल देखो, ये छे मोका आला मिट्टा गोपुरम, यहाँ से घुटनों पे चलना है। अभी आपकी मर्जी, घुटनों पे चल सकते तो चलो। देखो यहाँ पर जा रहे, देखो लोग घुटनों पे स्टार्ट करो। गोविंदा गोविंदा लेट्स गो ब्रो, चढ़ेंगे आराम से, कैमरा बंद कर देता हूँ, अपन ऊपर चढ़ेंगे भाई साहब, बस वहां तक चढ़ सकूं और यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। तो जहाँ मार लगा वहाँ फिर दो तीन बार फिर से किच 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 हुआ भाई, शायद पूरे सीढ़ियाँ ख़त्म हो गए। सोच रहा हूँ मेहमान अपने को ठीक से, मैं शायद अभी है और ख़त्म नहीं हुआ, स्टेप्स पूरे ख़त्म हो गए। कहते अभी के भाई बोल रहे थे वहाँ पर सब लोग मतलब वो बोटू लगाते हुए हैं ना, तो वो और ऊपर भर भर के वो नंबर पूरा मिटा दिया इन्होंने। तो मैं ज़्यादातर सभी लोगों के स्नैप देख रहा था, 3550 बोल के डालते थे लास्ट में, अपन भी डालेंगे सोचे, लेकिन पूरा वो ढक दिए पूरा बुट्टू से कुमकुम से। तो अब यहाँ से एक और किलोमीटर चलते हुए जाना मंदिर आ जाता, तो चलो एक अगर रूम मिला तो बढ़िया भाई, भगवान की कृपा से एक रूम मिल जाना, रेस्ट लेना है भाई। नींद तो बिल्कुल नहीं है देखो हमारे को, पसीने तो बहुत निकल रहे। अब वो जंगल में अच्छा ठंडा ठंडा था, प्रॉपर वो घुटने पर चलते कि ज़रा पसीना पसीना लग गया, गर्म गर्म हो गया बॉडी पूरा। अभी जाके पहले रूम देखेंगे मिलता कि नहीं। अपने से पहले ना लगेज आ गया था एक घंटा, वो 1.5 आवर पहले जा गया था, अब ले लेना है अपने को। कहाँ से जाना है? 2 काउंटर नंबर 2 में जाना है। पैक ले लिए और क्या बोलते, फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपन ना जाके पहले रूम बात करेंगे भाई, रूम की बहुत ज़रूरत है। सोना मांगता है अपना, नींद अपने आँखा नींद मांगता है भाई, बहुत नींद आ रहा। CRO ऑफिस को जाना करते, वहाँ जाके पूछना रूम रूम मस्ट नहीं रेड भाई। सुनने के लिए लाइन है भाई, वहाँ तक है सामने तक, मिल जाना भाई अपने को जैसे तैसे, लाइन में तो ठहरेंगे। रूम नहीं मिलता बोल के सोचे, लेकिन भाई गॉड ब्लेस भगवान की कृपा से अपने को रूम मिल गया। चाहे बोल तो पीछे सब लोग डरा रहे थे रूम नहीं मिलता बोल के, लेकिन रूम मिल गया। एक आधे घंटे के बाद में हमारे को मैसेज आता रहता है रूम नंबर पूरा क्या है, तो जब तक नाश्ता करेंगे बोल के आ गए, कर लेंगे भाई। दबा के भूख लग रहा, चक्कर आ रहा, खा लेते। जय श्री राम। रूम का मैसेज अभी तक नहीं आया हमारे को, बिल्कुल हाथ नहीं रहा भाई, पहरा दुख रहे। यहाँ सभी लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर बैठ गए, मैसेज आया जब तक यहाँ पैकिंग है। अपने को रूम अलॉट हुआ, अब यहाँ के स्कैन करके अपने को कौन सा मिला रूम वो पूरा बताते हैं यहाँ पर। भाई साहब अपन लोग अब है देखो तिरुमला में, सुबह 10 बजे रूम के लिए मतलब बुक करे तो अब 5 बजे हमारे को मिला, और उस टाइम में हम लोग क्या करें आपको देखना है तो बता तुम रुको, लेकिन हंसो ना को आप लोग पहले बोल रहा हूँ। पब्लिक दिस इज आकाश बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ए बबे ए ए हंसो ना को, समझ आ रहा? तो चलो क्या बोलते, टाइम 5 हो रहा, अपने को रूम मिल गया, रूम में जाके अपने बैग पूरे लगा दे के दर्शन के लिए निकलते। अब रूम यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है भाई, पूरा क्या बोलते अपने को जो भी हो रहा है पूरे लास्ट मोमेंट में हो रहा है, लेकिन अच्छा अच्छा रहा देखो भाई ये क्या तो भी है भाई, बारिश भी शुरू हो गया और हमारा रूम जो है नहीं क्लीन करे बिना नहीं देते करते, और यहाँ पर ऑलरेडी टाइम 5:45 हो रहा, हमारे को 7 बजे वहाँ रहना है। अभी वो कितना दूर है नहीं मालूम अपने को दर्शन का, क्या होता क्या नहीं टेंशन हो रहा थोड़ा, लेकिन बचा लेना भगवान जी, दर्शन टाइम पे करा दो प्लीज़। ये नहीं साई थी इन कैमरा फिराते कि सर फिरा ले रहा है, आदत कर लो थोड़ी दिन के लिए, मेरे को ऐसा देखना आप लोग ऐसा देता हूँ अभी 1-2 महीने के लिए क्या मत चॉकलेट। तो चलो यही चाहिए देखो अपने को रूम मिला,
₹500 डिपॉजिट कर लिए एक्स्ट्रा, कल अपन क्या बोलते चेकआउट कर दिए तो फिर से 500 अपने को वापस आता। तो भाई साहब रूम का ताला मतलब बोला क्लीन करके ताला दिए, जब तक टाइम हो गया देखो 6:10, अब फटाफट भाग रहे हम लोग बस के लिए, बस में चढ़ के 80GH सर्किल का जाना है अपने को, 7 बजे अपना दर्शन का टाइम है, फटाफट निकलेंगे, चलो बाय बाय बाय। टाइम बहुत हो गया, भूख भी बहुत लग रहा, देखेंगे क्या करेंगे वहाँ पर, अंदर दिए तो दे सकते शायद खाना, वहाँ खा लेंगे, अब तो रुक के खाए जितना टाइम भी नहीं है अपने पास, क्या करेंगे भाई साहब। हो गया देखो यहीं सर्कल से राइट लेना बोल के बोले बस के लिए, वहाँ पर बस ऑलरेडी खड़े हो गए, जाएंगे चढ़ेंगे निकलेंगे, उतर रहा क्या उन्हों। तो भाई बस तो मिल गया देखो, एक 15-20 मिनट में पड़ना मंदिर घर पहुँच जाते दर्शन के लिए। भाई साहब यहाँ है 80 सर्कल, हमारे को ऑपोजिट तरफ भी जाता है, यानी कहीं को भी जाएगी क्या की आगे 7 o'clock का दर्शन है, तो चलो फोन्स कहाँ रखना नहीं मालूम अपने को, वहाँ जाके पूछेंगे लॉकर रूम्स कहाँ हैं, फ़ोन रख दे के दर्शन कर लेके, दर्शन के लिए 6 से 7 घंटे लगते कहते, रात का 12 भी बज सकते, तो क्या होता कि देखेंगे। नाइस भाई टाइम को आ गए 6:30 को आगे देखो, थोड़ा टेंशन हो गया था लेट होता फिर क्या होता बोल के, कोई नहीं भाई भगवान जी अपने साथ है, अपने साथ पूरा अच्छा ही होता। अब बाबा यहाँ से वहाँ घूमना है, फिर उससे उतर के फिर से यहाँ जाना है, भाई साहब ये लाइन में जाते रहे रे जाते रहे रे, मैंने बोल तक 10 मिनट से चल रहे थे, अभी तक वो साइड वाले लाइन में नहीं आया हम लोग, फिर से वहाँ से जाके वहाँ वो पूरा चलना है, पैरा कोमा दुख रहे थे और ऊपर से भूख लग रहा, अंदर खाना दे रहे वो एक अच्छी बात है। अरे लॉकर लो बेटा, तो सिलने ला लिए कहते, तो क्या बोलते अच्छी बात क्या है बोलते, अंदर खाना दे रहे बहुत खुश हो गई हूँ, भूख उतना लग रहा मेरे को, पैरों में एनर्जी भी नहीं है अपने खाना नहीं ऐसे, उसको दोपहर में खाएंगे दबा के अंदर। अंदर की लास्ट अपन अपना फ़ोन यहाँ पर डिपॉजिट कर देना है, अब इसके बाद में अपन लोग का ब्लॉग नहीं बनाते भाई, यहाँ पर फ़ोन दे देना है और अंदर दर्शन को जाना है। भाई साहब दर्शन हो गए को बहुत मस्त, पीछे दिख रहा है ना आपको मंदिर, दर्शन बहुत मस्त हुए अंदर जाने के बाद, मैं तो देखो भाई 1-2 मिनट तो सामने चढ़ के भगवान को देखते हुए ढकल रहे, तो भी मन छेड़ी होता भाई, जितना पेन पैर दर्द बॉडी पेन्स नींद पूरा ना एकदम उड़ गया भाई, भगवान के मंदिर में एक बार भगवान के कपट में जाते कि उतना गूज़बम्प्स वाला फील है भाई, बहुत मस्त है, किराक है भाई पहली बार आए तिरुपति को, बहुत किराक एक्सपीरियंस था, तो पूरा दर्शन कर लिया पूरा हो गया ज़बरदस्त करे, मैं साई मिल के लड्डू लेने लड्डू काउंटर को गए, वहाँ पर साई मिसिंग हो गया, आधे घंटे से घूम रूम देखे मैं उसके लिए, वहाँ पर मिसिंग काउंटर में क्या बोलते वो ही बोलने लगा हूँ, अब फ़ोन कर आए ना वहाँ सीढ़ियों कन बैठा बोल के, तो चलो जाएंगे उसके देखो। अरे नीकोसम 2-3 साल तिरिगिनारा नेनु, तिरुपति में अगर मिसिंग हुए तो बहुत मुश्किल है देखो भाई, अब मिला जाके इन फाइनली, तो मैं टेंशन में आ गया था 2 मिनट के लिए, यहाँ पर 3 बार अनाउंसमेंट बोलने लगा हूँ बोले बोलने लगा हूँ, अब मिला इन दिमाग चला इसका, इसको मालूम है मैं जाके फ़ोन लेता हूँ बोल के, दूसरे के फ़ोन से फ़ोन करा मिल गया भाई, कुछ ना कुछ होता ही रहता भाई अपने साथ, देखो एक ऐसा सडन वाला कुछ तो शौक नहीं दिए तो अपना ट्रिप ना सक्सेसफुल नहीं होता, फाइनली तो हो गया, पैर देखो दबा के दुख रहे नहीं ना बोल तो 4 किलोमीटर रेंज घूमते रहूँ भाई इसके लिए, मैं घर को जाएंगे सो जाएंगे, टाइम 12:30 वाला 1 तक चले जाते शायद निकलेंगे, चलो भाई। मैं ना बाल नया बोल तो एक 13 से 15 साल के बाद में निकालूँ, देखो कब की बचपन में निकाले थे, पहले तो बचपन में पैदा होने के बाद निकाल दे, फिर बाद में एक बार हमारे घर के भगवान के पास निकाले ख़त्म, उसके बाद में फिर कभी बारिश नहीं निकाला मैं, अब थर्ड टाइम है देखो भाई, पूरा अलग ही दिख रहा मैं तो, हंसो नको मैं हंस रूँ बोल के तुम भी ना पास हो, पाप लगेगा तुम लोगों को, समझ में आ रहा अलग ही दिख रहा भाई, दूसरा अलग अलग इंसान ही दिख रहा पूरे निकाल, लेकिन क्या चमक रहा देखो, आगे हमारे शो याद है तो आप लोगों को उसमें कैसा चमक रहा वैसा चमक रहा मेरा, लेकिन क्या सुगुने वैसा ठंडा हुआ खाना मुझे देने जा रहा, तो चलो उसको खाएंगे पहले, भूख भी लग रहा, अब रात का डिनर भी कर ले रहे देखो यहाँ पे,
कर ले के अब खाना जाना पूरे बंद हो गए थे तो यहाँ पर खा लेके और बस्ता भी ख़त्म हो गए टाइम 12 तक ही रहते खत्म। अब पैदल जाना है, एनर्जी होना बोल तो खाना पड़ता बोल के। भाई साहब अब बीच डिनर करे, बहुत बेकार खाना था अभी। अगर मंदिर के पास कुछ खाना सोच रहे तो अन्नदान में खाओ, लेकिन वहाँ पर होटल्स में तो ना खाओ भाई, बहुत रेट भी ओवर है। अभी रात के टाइम में अन्नदान बंद था बोल के हम लोग खाए ना, तो आप तो मत खाओ भाई, बहुत बेकार टेस्ट था, बहुत घटिया। मतलब अब खाने को तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन खाया नहीं जा रहा भाई, बैठे से सभी लोग वही बात बोल रहे हैं, अच्छा नहीं है टेस्ट, खाली पीली अपना पेट खराब क्यों। तो थोड़ा बहुत अधूरा छोड़ के वहाँ से आ गए, निकल गए और तिरुपति में ना ब्रो, वाइट शर्ट और वाइट इसके पंचाना को डालो भाई, कहीं को बोले तो इसको ढूंढने में इतना मुश्किल हुआ मेरे को। सभी लोग वाइट कुर्ता सॉरी वाइट शर्ट वाइट पंचा गुंडू, अरे इन्हू कहाँ है, इन्हू कहाँ है बोल के मैं 2 मिनट के लिए परेशान हो गया था। आगे रूम को अपन लोग देखो 20 मिनट में पैदल चलते चलते डायरेक्ट सो जाएंगे, बिल्कुल ताकत नहीं है। पैरा पूरे देखो क्या बोलते, यहाँ से ये दिख रहा आपने को जहाँ मार था वहाँ से फिर से वो घुटनों पे चलने को ऐसे क्या क्यों हुआ, और ये पैर का पार्ट पूरा बिल्कुल काम नहीं करना, बहुत थके चल रही है देखो, विदाउट स्लीप विदाउट रेस्ट सब कुछ। आज सोचने देखो भाई सुकून से मस्त सुबह 10 बजे उठेंगे। तो चलो ये वीडियो अपना यही को एंड करते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, फिर वीडियो देखना, बाय, गुड नाइट।